नमस्कार आपका अखबार के इस में आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंह अगर आप ये समझ रहे हो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवारों की सूची है इक्यावन उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है हस्ती में से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है जयंत चौधरी एन में आ गए हैं और सुभाषपा के लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं और सब कुछ तय हो गया है अब केवल चुनाव की घोषणा बाकी है चुनाव प्रचार मतदान और उसके बाद रिजल्ट आना बाकी है 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सब कुछ तय हो गया है सेटल हो गया है तो आप बिल्कुल 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 गलत हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी बहुत जो है ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं बड़े बदलाव आने वाले हैं पहला काम तो ये हुआ कि मंगलवार को जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को पटकनी दे दी देखिए वो कहते हैं कहते क्या हैं सच्चाई भी है कि अगर चीटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो उसे पागल कर देती है तो जैन चौधरी दरअसल जो हाथी रूपी समाजवादी पार्टी है उसकी सूंड में घुस गए अखिलेश यादव का पीडीए उन्होंने उन्हों पूरी तरह से उड़ा दिया है अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं पी आपको अब याद हो गया होगा शायद पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ये नया फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव जैसे राहुल गांधी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा दे रहे हैं जिससे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है उसी तरह से अखिलेश यादव पीडीए पीडीए करते रहते हैं लेकिन जब करने का मौका आता है अभी सबसे ताज़ा उदाहरण था राज्यसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे का तब उनको पी भूल गया राज्यसभा चुनाव खत्म हुआ पी फिर याद आ गया लेकिन जयंत चौधरी ने पी का प्रतिनिधित्व देकर दिखा दिया कि वो केवल नारेबाजी में या बयानबाजी में यकीन नहीं करते ठोस धरती पर काम करने में यकीन करते हैं उन्होंने मंत्री बनाया जो अपने कोटे से उनकी पार्टी के कोटे से विधायक को मंत्री बनना था उन्होंने अनिल कुमार को बनाया जो जाटों समाज से आते हैं कायदे से उम्मीद ये की जा रही थी कि चूंकि मुख्य रूप से जाटों की पार्टी है तो कोई जाट का नाम देंगे वो लेकिन उन्होंने जाटव को दिया उसके अलावा बिजनौर से गुजर को टिकट दिया अशोक कटारिया को और सबसे बड़ा चमत्कारी काम किया बड़ा ऐतिहासिक काम किया उन्होंने जब बागपत से बागपत जो ट्रेडिशनल चौधरी चरण सिंह के समय से इस परिवार की सीट रही है वहाँ से 88 साल में पहली बार चौधरी चरण सिंह के परिवार का बाहर का कोई व्यक्ति उनकी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बना है सांगवान को उन्होंने टिकट दिया है जो चौधरी अजीत सिंह के करीबी रहे हैं उनके साथी रहे हैं उनको टिकट दिया चर्चा ये थी कि वो अपनी पत्नी को वहाँ से लड़ाना चाहते हैं एक तीर से कई निशाने साधे हैं जयंत चौधरी ने पहला उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया कि ये पीडीए डी केवल बोलने से नहीं होता है आपको व्यवहार में करके दिखाना होता है दूसरा काम उन्होंने किया कि विभिन्न जातियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोड़ने का एक भाईचारे का संदेश देने का वो खुद जाट नेता है मुस्लिम वोट उनको मिलते हैं गुजर को उन्होंने टिकट दिया जाटों को उन्होंने मंत्री बनाया तो एक सोशल अम्ब्रेला खड़ा करने की उन्होंने हालांकि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की तुलना में बहुत छोटी है उनके पास देने के लिए बहुत कम है फिर भी उन्होंने दिखाया कि अगर दिल हो अगर आपकी निष्ठा हो अगर आपकी प्रतिबद्धता हो तो आप ऐसा कर सकते हैं और वो एक करके उन्होंने दिखाया और सबसे बड़ा निशाना उन्होंने साधा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सहयोगी हैं एनडीए में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं और जयंत चौधरी ने व्यवहार रूप में यह करके दिखाया है वो चाहते तो बागपत की सीट अपनी पत्नी को दे सकते थे कोई एतराज न करता कोई उसका विरोध न करता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं करके उन्होंने उदाहरण दिया कि वो परिवार से बाहर भी सोचने के लिए तैयार हैं भले ही उनकी पार्टी छोटी सी हो लेकिन वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं राजनीति में वो खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और वो उन्होंने किया तो जैन चौधरी से ऐसी उम्मीद शायद अखिलेश यादव को न रही हो जैंत चौधरी एक समय उनके साथ थे उनके साथ थे तो उनके रंग अलग थे अब उनका साथ छोड़ने के बाद जैन चौधरी में एक बड़ा परिवर्तन आया है वो राजनीति के बड़े फलक पर सोचने लगे हैं वो आगे की राजनीति भविष्य की राजनीति के बारे में सोचने लगे हैं उनको मालूम है कि किसी एक जाति के आधार पर या किसी एक परिवार के आधार पर राजनीति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती उसका विस्तार होने के बाद गिरावट आती है गिरावट जब आना शुरू होती है तो बहुत तेज़ी से आती है ये उन्होंने अपने परिवार की राजनीति के रूप में देख लिया है पिछला चुनाव वो और उनके पिता अजीत सिंह दोनों जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हार गए थे दोनों जाट बहुल इलाके थे बागपत और मुजफ्फरनगर दोनों उन दोनों सीटों से हार गए थे अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मन बनाया है तो ये सब जो उन्होंने फैसले लिए हैं इससे एक बात का और संकेत मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक काम करना चाहते हैं और स्थायी रूप से जुड़ना चाहते हैं ये भी उन्होंने संकेत दिया लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना ही बदलाव नहीं आया है अभी कुछ नए बदलावों की प्रतीक्षा कीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले हैं आप शांत पानी में पत्थर फेंकने का काम करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी असल में अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा डर है वो डरे हुए उन्होंने कांग्रेस से अलायंस भी इसी डर से किया कि कहीं उनका मुस्लिम वोट उनसे छिटक न जाए उसमें कोई दरार न पड़ जाए इसलिए वो वो बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया कि मैसेज जाए एक मुसलमानों के बीच में कि वो मुस्लिम वोट को बंटने नहीं देना चाहते हैं कांग्रेस को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है मुसलमानों के मन में उसका फ़ायदा उन्होंने उठाने की कोशिश की लेकिन असदुद्दीन अवैसी जो है उनकी बातचीत चल रही है किससे बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती से अगर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एम आई एम और बसपा का समझौता होता है तो आप ये मानकर चलिए कौन जीतेगा हारेगा वो तो बात की बात है लेकिन एक बात तय है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और ये कॉम्बिनेशन जो होगा दलित और मुसलमान का वो यादव और मुसलमान के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा मज़बूत होगा ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ यादवों की संख्या लगभग नगण्य है वहाँ पर समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर ये गठबंधन बनता है तो समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर भी नुकसान होगा इस बात को कांग्रेस पार्टी समझ रही है कांग्रेस पार्टी भी बेचैन है अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ने के लिए और वैसे खबर ये है कि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस का साथ छूटे कांग्रेस से गठबंधन टूटे अब सवाल ये है कि पहले हाँ कौन कहे कौन पहल कौन करे तो पहल कोई करने को तैयार नहीं है इसलिए गठबंधन बना हुआ है कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगर असदुद्दीन अवैसी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इन तीन का कॉम्बिनेशन इन तीन का गठबंधन बनता है तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से ज़्यादा प्रभावी होगा जमीन पर दलित और मुस्लिम के साथ कांग्रेस पार्टी का जो दो ढाई परसेंट वोट है वो अगर मिलेगा तो वो उस थ्रेश तक शायद पहुंच जाए जहां वोट प्रतिशत सीटों में बदलने लगे तो कांग्रेस पार्टी की लगातार ये कोशिश तेज़ हो रही है कि किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल हो जाए शामिल होगी कि नहीं पता नहीं औपचारिक रूप से तो मायावती घोषणा कर चुकी हैं पहले ही कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी लेकिन असदुद्दीन अवैसी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है और भाजपा को भी एक ऐसे कॉम्बिनेशन की या एक ऐसे दल की ज़रूरत है जो समाजवादी पार्टी का ये मुस्लिम यादव का जो कॉम्बिनेशन है जो गठजोड़ है उसमें सेंध लगाने के लिए तैयार हो तो अगर उसदुद्दीन अवैसी बसपा के साथ या अकेले भी आते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बनेंगे खास तौर से उन चुनाव क्षेत्रों में जहां यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन पचास फीसदी से ऊपर वोट प्रतिशत रखता है और जहां माना जाता है कि अजय है समाजवादी पार्टी की दृष्टि से देखें तो तीन सीटें ऐसी हैं एक संभल की मैनपुरी की और आजमगढ़ की जहां इस कॉम्बिनेशन के कारण समाजवादी पार्टी की जीत कम अभी अस्सी में से ये तीन सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना सबसे ज़्यादा है ये मानकर समाजवादी पार्टी तो मानकर चल रही है कि ये जीती हुई सीटें हैं लेकिन यहाँ जीत की संभावना सचमुच बहुत ज़्यादा है आज़मगढ़ में अगर गुड्डू जमाली पिछली बार बाई इलेक्शन में खड़े न हुए होते बसपा से तो समाजवादी पार्टी वहाँ से जीत जाती चुनाव इस बार कोई नया गुड्डू जमाली नहीं होगा आजमगढ़ में इसकी कोई गारंटी नहीं है और यही डर अखिलेश यादव को सता रहा है इसी डर के कारण वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अगर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ने का फ़ैसला करते हैं तो उनकी पहली पसंद आज़मगढ़ की सीट होगी लेकिन वो इंश्योर करना चाहेंगे कि वहाँ कोई गुड्डू जमाली जैसा ना आए इसीलिए उन्होंने गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल किया चर्चा ये है कि अभी जो विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं द्विवार्षिक उसमें गुड्डू जमाली को वो विधान परिषद में भेज सकते हैं इंतज़ाम सारा कर रहे हैं कि आज़मगढ़ में इस तरह का कोई खतरा ना हो लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एम आई एम उनका इरादा क्या है उनकी योजना क्या है उससे वो डरे हुए हैं और उनको डर कांग्रेस पार्टी से भी है कि कांग्रेस पार्टी मन से उनके साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी का मन जो है वो बहुजन समाज पार्टी की ओर है कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से किसी भी शर्त पर बहुजन समाज पार्टी से समझौता करना चाहती है उसे लग रहा है कि ये गठबंधन अगर हो जाएगा और एक बार दलित वोट कांग्रेस के साथ आया तो हो सकता है भविष्य में वो उसमें से कुछ परसेंटेज रुक जाए वहाँ से कांग्रेस का जो है पुनरुत्थान शुरू हो सकता है इस उम्मीद में कांग्रेस पार्टी बहुत कीन है बहुत ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड है कि किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए अब ये निर्भर करता है मायावती पर और असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने डरा रखा है तो वो ओवैसी और मायावती ये दोनों नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव की रात की नींद उड़ा रखी है उसमें कोर्ट में खाज का काम किया जयंत चौधरी ने जिस तरह से उन्होंने अपना मंत्री बनाया उसके अलावा दो लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की उससे अखिलेश यादव के पीडीए को बहुत गहरा धक्का लगा है कि उन की बात कोई सिद्धांत न होकर केवल एक जुमला बनकर रह गई है ऐसा साबित कर दिया जयंत चौधरी ने तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार